क्या आप जानते हैं शंख की उत्पत्ति कैसे और कहां हुई? अन्य 14 रत्नों की तरह शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए शंख को उनका भाई माना जाता है। इसे इसलिए भी शुद्ध माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही इसे अपने हाथों में धारण करते हैं। इसे बजाने से वातावरण पवित्र व शुद्ध होता है। टू सी मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।